Uh, my name is Syed Zainul Abidin. I am uh, <clears throat> currently serving as Assistant Director FIA in the Investigation Branch. <laughs> and uh, prior to that, I was uh, Assistant Registrar in the Punjab Cooperatives Department. I have been associated with this uh, Vision Institute and its, uh, founding director, uh, its founding Director Sahab, Mr. Avaz Gilani, <clears throat> for quite a long time. तो स्टूडेंट्स आप लोग जो आप में से कुछ लोग यहाँ पे फिजिकली जो है एज अ पार्टिसिपेंट प्रेजेंट हैं और शायद कुछ लोग बाद में रिकॉर्डिंग जो है देखें तो मैं तमाम उन लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं या बाद में मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे स्टूडेंट्स पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका नाम विजन क्यों रखा क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम इन है मैं किसी स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन विजन ही हमने क्यों रखा बिकॉज़ इसके पीछे विजन एक सिंपल है वो कोई लंबी चौड़ी कोई फिलॉसफी नहीं है एक्सक्यूज मी uh, विजन जो है बड़ा सिंपल है और आजकल के अगर हालात और वाकयात को आप देखें एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एट वन पॉइंट इन टाइम के एक जगह इंटरव्यूज हो रहे थे हमारे पब्लिक जो है हमारे डिपार्टमेंट में तो वट आई सॉ दैट कि नायब कासत की पोस्ट के लिए कैन यू इमेजिन के मास्टर्स मास्टर्स डिग्री होल्डर हुआ आए हुए थे इट इज अच अग सिचुएशन जब आप ये देखते हैं कि एक पोस्ट के लिए इतने वेल well क्वालिफाइड और ओवर क्वालिफाइड लोग रहे करें तो वेन आई टॉक टू दैम आई इंक्वायर्ड अबाउट दिस उन्होंने बताया सर हमारे पास नौकरी नहीं हम क्या करें हमने अपना सर्कल चलाना है तो वी डोंट हैव दिस एन अपॉर्चुनिटी टू सस्टेन आवर लिविंग तो सिचुएशन जो है हमारे आजकल के दौर में वो इस तरह से वो बनी हुई है और हमारा विजन सिंपल है विजन है हमने आपको आपकी मर्जी की नौकरी जो है वो दिलवानी है अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको करना कैसे है इसको करना इस तरह से है कि विजन और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं ये एक पार्टनरशिप होती है पार्टनरशिप होती है एक आप समझ लें इन फॉर्मल वर्ड्स में इट इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन द इंस्टीट्यूट एंड यू जिस तरह एक व्हीकल के दो पहिए होते हैं आप किसी बाइक के दो पहिए ले लें तो इस तरह से हमने इसको एनविजन किया कि इस तरह से हमने आपको साथ लेके चलना विजन का मकसद अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सम ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स एंड द स्टूडेंट्स दे दोस हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर सेशन हमारा मकसद आपको आपकी पसंद की नौकरी पे बैठाना है आपको आपकी पसंद की नौकरी जो है वो दिलवाना है उसको अचीव करने के लिए हमने फ्रेमवर्क जो हमने डिजाइन किया है तो हमने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ पे फेस करते हैं वट इज दिन डिफिकल्टी फेस्ड बाय दें डिफिकल्टी ना उनके इंटेलिजेंस में है ना उनके स्किल्स में है ना उनके कैलिबर में है हर स्टूडेंट जो डिग्री अपनी कर जाता है Uh, वो ही इज बोर लेस जो है इंटेलिजेंट सर वन सेकेंड ये इंपॉर्टेंट है जी जी मैं पांच तो मिनट तक करता हूँ कॉल पांच मिनट तक करता हूँ जी, 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 okay, okay. तो दैट इज जो मेन आपको रेसिपी प्रोवाइड करनी है देखिए नोट्स प्रोवाइड करना बड़ा आसान है आपको लेक्चर स्लाइड्स देना बड़ा आसान है ये कोई भी अदारा कर सकता है हम यहाँ पे हमारी यहाँ पे इनपुट जो है वो क्या है हमारी इनपुट ये है कि हमने आपको टूल्स वो देने हैं जिससे आप अपना जो है ड्रीम अचीव कर सकती बास जगह पे बास जगह पे स्टूडेंट को डिपेंडेंट कर दिया जाता है स्टूडेंट को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया जाता है कि जब आप हमसे ये चीज नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं कर सकते बिल्कुल स्टूडेंट टोटली डिपेंड हो जाता है फिर आगे से अदारा जिस तरह मर्जी चाहे उससे पैसे वो निकालता है या अपनी कमाई कर लेता है हम यहां पे ये काम नहीं करते हमारा मकसद है स्टूडेंट को एम्पावर करना डिपेंड अपने ऊपर डिपेंडेंट हम नहीं करते हमारे जो स्टूडेंट अगर किसी ने एक सेशन भी पढ़ा है तो वो मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए वो अपने आप को तैयार कर लेता है साल के तौर पे पीपीएससी में कई ऐसी पोस्ट आती हैं वो एक का एग्जाम देता है नहीं कर पाता दूसरी में उसका कहीं कही ना कहीं हो जाता है तो हमने स्टूडेंट को एम्पावर करना है उसको हमने टूल्स प्रोवाइड करने है उसको हमने बेसिकली जो चीज हमने देनी है ट इज द राइट स्ट्रैटी स्ट्रेटी जब हम उसको सही देंगे उसको हम रेसिपी जब हम सही देंगे तो वो स्टूडेंट जो है कहीं पे भी अपना वो अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर सकता है अब इसका तरीका ये है कि हमने फैकल्टी में वो खुद हमने वो लोग रखे हैं जो इस मरल से गुजर के आए हैं देखें मैं आपकी तरह ही अब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो आपकी तरह ही मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था मैंने भी वो फेस देखी है जब आपके पास नौकरी नहीं है और आप मतलब सोसाइटी में आप अपने आप को क्या इमेजिन करते हैं कहाँ पे प्लेस करते हैं इतने आपने पैसे लग, लगवा के वाले की जो है वो अपने पैसे लगवा के आपने एजुकेशन तो ले ली है आगे आपने अब क्या करना है तो ये बड़ा एक क्रिटिकल सा मोमेंट होता है इन चीजों को जो हमारे जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं हमने उनको हायर किया ताकि वो स्टूडेंट से एम्पथी रखें एम्पथी मिसिंग होती है बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स में बिकॉज दिस इज नॉट अ बिजनेस दिस इज हम नॉन प्रॉफिट उस बेसिस पे चल रहे हैं मतलब आपने मुझे उस दिन वो बैलेंस शीट दिखाई थी तो प्रैक्टिकली सर हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा वी आर जस्ट फुलफिलिंग द विजन तो सॉरी सर ये मैंने डिस्कलोज कर दिया लेकिन ये बात ऐसी ही है फॉर ऑल प्रैक्टिकल मीन नॉन प्रॉफिट सर हम हमारा ये, हम इसको ले, ले ले और हमारी सेटिस्फेक्शन क्या है अचीव कर लेता और इससे हमें फायदा क्या होता है कि he brings in more students. तो आप देख सकते हैं कि हमारे क्रीडेंशियल जो है उसमें दोनियल दैट वी है स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये करना है कीपिंग इट शॉर्ट एंड ब्रीफ Uh, क्योंकि बाकी सर, सर जो है सर ने भी आपसे डिस्कशन करनी है हमारा सिंपल और सिंपल जो है वो टास्क और स्ट्रेटेजी है कि हमने आपको डायरेक्शन देनी है और डायरेक्शन जिस तरह हमने आपको देनी है कि जो ट्रेंड जो आजकल चल रहा है उसके मुताबिक हमने आपको प्रिपेयर कर देना है और एक तैयारी एक दफा स्टूडेंट्स चाहे वो आप जिस मर्जी ये पोस्ट आप देख रहे हैं स्टेट बैंक पुलिस एफ आई ए नैब कस्टम्स वगैरह वगैरह

इस टाइम काफी सारे स्टूडेंट हमारे साथ अटैच है तो आगे जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप यहाँ भी टेक्स्ट कर सकते हैं जो लोग जूम पे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं जो हमारे पेज पे देख रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स में हमारे साथ अटैच है वहाँ पे पूछ सकते हैं तो अब हम आगे चलते हैं या आपके साथ अभी सरजारदीन जो कि आपको पाक अफेयर पढ़ाएंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर एफ आई ए हैं और माशाला जैन सच अ टेलेंटेड इंडिविजुअल जो कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें अभी भी जैन वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की वजह से एज रिस्ट्रिक्शन क्लेम करके उसमें भी वो टॉप पोजिशन फॉल कर रहे होते हैं तो यू आर लकी इनफ कि आपको लोग जितने भी पढ़ा रहे हैं जो कि आपके सारे फोर्टी डेज के सेशन को लेके चलेंगे ये तमाम तर लोग वो हैं जो इस सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं और वो वो लोग हैं जो इस सारे प्रोसेस को समझते हैं सो लाओ वी आर गोइंग टू मूव फॉर्वर्ड माई नेबर सी एंड डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन and before starting this institution i worked as uh, director data repository project state bank of pakistan and uh, along with you can say seven to eight years of experience on various government national and international assignments my first assignment was with united nations as a project coordinator and my last assignment was as a project director on data repository bank uh, data repository project state bank of pakistan

क्योंकि आप काफी सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है तो आगे जब लोग आप इनरोल्ड होकर हमारे पास आते हैं क्लास की हमारी एवरेजली स्ट्रेंथ रनिंग होती है टेन से ट्वेंटी के दरमियान इससे ज्यादा हम स्ट्रेंथ करते हैं नहीं और सेशन हमारे ऑनलाइन ऑन कैंपस दोनों चलते हैं ऑनलाइन इज मच प्रिपेयर बेटर देन ऑन कैंपस ये एक उल्टी सी बात है आप लोग ऑन कैंपस को समझते होंगे बट अलहमद हमने चार कैंपस हमारे लाहौर में हम चाहें तो सिर्फ ऑन कैंपस रन कर सकते हैं

ग्रेजुएट यहाँ पे बैठे हैं उनके एट द स्टेज वेन यू आर ग्रेजुएट अब आप लोग ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं है आप लोग माशाल्लाह पढ़ने वाले हैं आप लोग मेहनती हैं अगर ना होते तो ये चौदह या सोलह जमाते पास करके आज यहाँ पे नहीं होते बट बेटर रीजन क्या है अलमद गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो पांच सौ से ज्यादा लोग हैं जो मैंने खुद हायर किए जिनके पेपर भी हमारे सामने बने जिनके इंटरव्यू हमने खुद लिए इस सारे प्रोसेस से और अब अलमदल्ला तीन साल हमारे सदारे को हो चुके हैं ंड्रेड प्लस सर्विंग स्टूडेंट इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग सी एस एस एम एस अलमदीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमारे हर बैच का थर्टी सेवन रिजल्ट जा रहा है. अभी जो लास्ट है, जो मार्च के अभी है इस मार्च में हमारे पंद्रह पोजिशन आ चुकी है अभी तक ठीक है तो क्या वजह अगर ओवरऑल देखा जाए जो पॉइंट टू बी नोटिस है कि आप लोग तमाम लोग ग्रेजुएट होते हैं आप लोग एक ना एक सब्जेक्ट में ग्रिप रखते होते हैं बट वेन यू अपियर इन योर एग्जामिनेशन वेन यू आप 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 सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि आप market से outdated material लेते हैं कि right right से से लेते और इस एग्जाम की तैयारी में कूद पड़ते हैं मटेरियल गलत होता है मटेरियल के बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती आपने पढ़ना क्या है आपने कहाँ से पढ़ना है उसके लिए क्या प्री है क्या रिक्वायरमेंट है और अल्टीमेटली योर स्कोर्स फॉल इन बिटवीन द ब्रैकेट ऑफ फोर्टी टू फिफ्टी Most of you, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है वो 40 से 50 परसेंट से 50 नंबर लेते हैं इस के में इससे ऊपर नहीं आ रहे होते हैं। आपके आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है दिस सिलेबससी ऑल गवर्नमेंट जॉब जिसमें आप आगे नैब है आई एस है पॉलिस है स्टेट बैंक है क्योंकि भी, अभी जैसे आप लोग मेरे साथ जो मुझे फिगर आपकी आ रही है इस टाइम आप लोग मेरे साथ तकरीबन को फोर्टी प्लस स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि अभी जो हमारे इस ग्रुप्स में और ये जूम के प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट हमारे साथ अटैच है थीके? आप लोगों में से हर किसी ने डिफरेंट जॉब के लिए अप्लाई किया होगा बेटा सबसे पहली गलती जो बच्चा करता है कि एक जॉब पे अप्लाई करके उस पर स्ट्रक्ट हो जाता है ठीक है इवन की इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जैन अगर जैन को आप देखें तो जैन अभी आपसे बात कर रहे थे करंटली असिस्टेंट डायरेक्टर एफ आई इसके साथ साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पे ज्वाइनिंग थी तहसीलदार का क्लियर था और सब इंस्पेक्टर का क्लियर था लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट था उसको चूज किया ठीक है थेके? तो सिमिलर टू आप लोगों ने पहली जो बात ये मैं आपको स्टेज पे कहना चाहूंगा कि आपने अप्लाई के जो जॉब्स भी आ रही है उनके लिए करना है ठीक है वो नैब की आए वो आईएसआई में आए वो पुलिस में आए स्टेट बैंक में आए और जितने भी छोटे मोटे डिपार्टमेंट की सब में अप्लाई करते गए हमने आपका जो कोर्स यहाँ पे डिजाइन किया है योर दिस कोर्स बेसिकली इंक्लूड नाइन पार्ट्स एंड वॉट एग्जामिनर एक्सपेक्ट फ्राम यू जो मेरे साथ स्टूडेंट या क्लास में भी बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप लोग हर चीज में यू कैन से बेसिक्स को जानते हो किसी चीज में आप मास्टर ना हो कोई उसको इस चीज का प्रॉब्लम नहीं है बट वेन यू वॉन्ट टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम आपका ड्रीम जो है वो ये गवर्नमेंट सर्विस में आपने जाना है फॉर डैट कीप इन योर माइंड अगर आपकी सिर्फ इंग्लिश में मास्टर्स क्यों ना है एम क्यों नहीं है पी क्यों नहीं है बट इवन देन यू यू आर पी एच डीजेक्ट यूर यू कैन से टेन ट्वेंटी थर्टी बस इससे ऊपर आपका स्कोर नहीं जाएगा गलती क्या हो रही है वॉट इज द रीजन बिकॉज ऑफ दिस फेलियर जो ये फेलियर आज आप देख रहे हैं कि हर बच्चे ही फेल हो रहा है हर बच्चे तीस चालीस से ऊपर नहीं जा रहा उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप लोग सिलेबस को नहीं समझ पाते आप उस स्ट्रेटजी को नहीं समझ पाते जो हम जब आपका पेपर बना रहे होते हैं आपको किसी जॉब के लिए किसी गवर्नमेंट जॉब में किसी प्रोजेक्ट पे हायर कर रहे हैं ये बच्चा अभी मेरे पास यहाँ बैठा हुआ है अली नैल मेरा ये ऑन कैंपस स्टूडेंट है ठीक है अब ये बच्चा आपके आने से पहले मुझे एक बात बता रहा था कि इंटरव्यू में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये बच्चा फेल हुआ है प्रेजेंटली मेरे पास तैयारी कर रहा है सब इंस्पेक्टर की जॉब का क्लियर है जिशान यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है ये वो है जो मेरे साथ यहाँ ऑन कैंपस भी मौजूद है जशान जो उनसे माशाला हमारे साथ एफआईए में ऐसे में ये कौन कौन सी बेटा क्लियर की हुई है हाँ जी कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की वो क्लियर की हुई है अब इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो क्या है वो अगर आप इनका एक्सपीरियंस उठा के देखेंगे तो इनकी डिग्री अब एक की मेरे पास जो बैठा कंप्यूटर साइंस की है आप जो बाकी जो पांच छह स्टूडेंट बैठे हैं हर किसी की डिफरेंट डिग्री होगी आप जो ऑनलाइन बैठे हैं आप सबकी डिफरेंट होगी बट एग्जामिनर को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि जिसकी डिग्री कंप्यूटर साइंस में उसको कंप्यूटर साइंस का सवाल देना है

कि ऑन स्क्रीन जो ऑनसाइन उनको ज्यादा फायदा हो जाता है कि हर चीज लिखी लिखाई सामने उनको उसी तरह मिल रही होती है तो आपका बेटा ये जो पेपर है इसके जो बेसिक सब्जेक्ट है पाक स्टडी स्टडी इस्लामिक जीके मीन जनरल जनरल नॉलेज एंड 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 करंट अफेयर साइंस इंग्लिश ये छह सब्जेक्ट कंपलसरी हैं जो कि होने ही होने हैं और दो ऑप्शनल हैं जिसके अंदर उर्दू और जॉब रिलेटेड वो किसी में पूछ लेता है किसी में नहीं पूछता फिर आपकी जो करंट अफेयर की डुबेन है इसमें साइंसेज रिलेटेड भी क्वेश्चन आने इसमें आपके जी के रिलेटेड जनरल नॉलेज उसमें जॉग्राफी इकोनॉमिक्स और कोई बेसिक जो इस तरह के सब्जेक्ट है हिस्ट्री सिविलाइजेशन इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आने तो आप लोग अगर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे बच्चों उसके लिए आपको ये तमाम सब्जेक्ट पे ग्रेप रिक्वायर्ड है अब आप लोग जो भी ये तैयारी करने की कोशिश करते हैं मार्केट से कोई ना कोई आउटडेटेड गाइड खरीद लेते हैं कोई डोगर की ले लेगा कोई किसी अकेडमी की ले एडवांस ज्यादा बिकते हैं उसका नाम लिया। उसमें पहली बात तो ही इतना होता है कि पचास साठ होते जो कि ह्यूमन साइकी इतनी है ही नहीं इस काबिल नहीं कि इतनी मेमोरी में वो याद रख सकते हैं नंबर एक नंबर दो वो घसे पेटे पुराने सवाल दिए होते हैं जो कि आप इवन के पीपीएससी में पहले ये था कि उनका एक डाटा सेट था वो एक एंटर का बटन दबाते थे और उसी डाटा से पेपर निकल आता था उन्होंने भी अपना डाटा वैनिश कर दिया नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम कीप इन योर माइंड आपसे पहले आने वालों को मैं यही कह रहा था जो ये ऑन कैंपस मौजूद है और आप लोग जो ऑनलाइन भी पहले मौजूद है आपको मैंने एक बात पहले भी मैंशन की है कि आपको अपने आप को अपग्रेड रखना है हर सब्जेक्ट के बारे में और हमारे पास किसी इदारे में आने का हमारे पास जो आपका मकसद है देखें हम लोग यहाँ जितने भी हैं हम लोग को दस बारह साल का इन चीज़ों का तजर्बा रखते हैं उसमें वो भी लोग आपके साथ जो मौजूद है मेरे स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जबील जॉन से मेरे स्टूडेंट है ठीक है के के बैच इन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब यहाँ से तैयारी करके अचीव की सबा मेरी स्टूडेंट है वो भी गवर्नमेंट जॉब पे से तैयारी करके जहर मेरे कॉलीग है ठीक है तो इस तरह के मतलब उस दौरान हमने जो आपका सिलेबस डिजाइन किया मेरे बच्चों वो हमने इस पैटर्न पे डिजाइन किया है कि जिस पैटर्न पे आपका पेपर बनना है अब इतना तो चले आप सबको पता चल गया अब आगे भी इस चीजों की ब्रेकअप है ये अगर जो ब्रेकअप आपके एक एड इमेज में भी आपके सामने चल रहा था ये स्क्रीन पे देखे मैंने इसको जरा आपके सामने जूम भी किया हुआ इस टाइम इसको अगर यहाँ पे देखे मेरा बेटा तो हर सब्जेक्ट के कुछ इनग्रीडियंट है मैं अगर आपको अपनी बात करूं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर करंट अफेयर का पार्ट एफ पी एस सी या पीपीएससी के किसी पेपर के लिए रिकमेंड करना हो या जो हमारे अपने स्टेट बैंक में फायरिंग प्रोजेक्ट की चल रही होती थी हमने आपकी करंट अफेयर जो एड ऑन करनी है is, आपको बताया गया कि आपको करंट अफेयर पूछा जाना है बीस नंबर का ऐसे ही होता है मोस्टली आपको बीस नंबर का कहा जाता है हमने ये बता होता है हमने एक मैंटली तौर पे हम लोग प्रिपेयर होते हैं कि वी आर गोइंग टू टू डिवाइड दिस मार्क्स मार्क्स इनटू बेसिक पार्ट के हम आपको जीके के देंगे जनरल नॉलेज जो हो गुजरा है और टेन मार्क्स के हम आपको वो सवाल देंगे जो प्रेजेंट हैपनिंग चल रहे है जो प्रेजेंट करंट अफेयर चल रहे हैं और इन टेन टेन मार्क्स की जो हमने दो डोमेन बनाई है इनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे थ्री पार्ट्स में। और अगर आप ये देखें तो ये आपके ओवरऑल अगर बात की जाए टू बेसिक फर्दर थ्री क्लेम्स सो व्हाट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्वेंटी मार्क्स प्रिपरेशन इज यू शुड बी वेल अपेयर ऑफ ओवरऑल सिक्स क्लेम्स

48 पे भी भी अगर आप देखें तो 99% student fail हुए होंगे जिनको interview की call भी नहीं आई। राइट मटीरियल ना हो तो अल्टीमेटली आप अगर 80 मार्क्स ले लें ले और 81 पे मैरिट क्लोज हो रहा है your 80 as equal to zero. So, अब ये तो हो गई बात जैन ने भी आपको बताया फेलियर की रीजन क्या है मैंने भी आपको बताया कि सिलेबस क्या है हमारा सब्जेक्ट ब्रेकअप ये अब आज मैथडोलॉजी के हमने इसे प्रिपेयर कैसे करना है वॉट वी आर यू गोइंग टू डू विद यू इन दिस फोर्टी डेज देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ आप ये तैयारी बेटा फोर्टी डेज में आप जब करने के लिए बैठते हैं ना तो आपका बेसिक हमारे पास आने का एक मकसद है हमारे पास आने का मेरा बेटा आपका मकसद ये कि आपकी एफर्ट को रिड्यूस कर दिया जाए ठीक है एफर्ट को रिड्यूस क्या करना चाहिए आपको जो पचास साठ पेपरों में फेल होकर आपको पहले ही दे दिया जाए आपको बता दिया जाए ये करना है, ये नहीं करना ये ट्रेंड्स ट्रेंड्स चल रहे हैं बिकॉज वी वी आर आर सेटिंग एंड ऑब्जर्विंग द आपके पास पेपर आना है छह महीने बाद देख हमने तो हर दिन में देख रहे हैं कौन सा पेपर आ रहा है हर बैच में हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हमने अलहमद ला आपको उसके मुताबिक ग्रिल अप करना है जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके मुताबिक कॉन्सेप्टी आपको लीड करना है और जो हमारी मेन मेथोडोलॉजी की सक्सेस है जो कि अलमदुल्ला हमारा हर बैच में अगर थर्टी सेवन परसेंट रिजल्ट रेशो है यानी कि अगर ग्यारह बारह स्टूडेंट बैच में है तो तीन चार क्लियर मस्ट कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ही जो सी वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है कि हमने आपको यहाँ से सिर्फ नोट्स लेके रटे नहीं लगवाने मेरा बेटा हमने आपको हर चीज का ब्रेकअप दे रहा है जिसके मुताबिक पेपर बनाया जाता है और उसके मुताबिक आपका वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करवा के फिर आपको उनकी प्रिपरेशन करवानी अभी आपकी ट्रायल क्लास होगी मेरे साथ मेरे ख्याल से आज सवाना होगी या कल सवाना होगी आपकी ट्रायल क्लास है परसों से आपकी जो न्यू बैच नंबर फोर्टी टू है आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी फोर्टी वन आवर लास्ट वीक स्टार्ट हुआ है तो हमने जो आपकी कोर्स की आउटलाइन रखी है वो इस टाइम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जनरल नॉलेज की आउटलाइन है अभी इस आउटलाइन में भी देखें तो ये वही सवाल है जो पेपरों में पूछे जा रहे हैं <coughs> <coughs> इवन के जो मेरे पास इंटरव्यू वाले बच्चे बैठे हैं मेरे पुराने स्टूडेंट आप लोग भी बच्चों देखो तो यही सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे गए हैं नोबल नोबल प्राइज का सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में पूछा जा रहा है ठीक है डिस्कवरीज का पूछा जा रहा है यूएन का पूछा जा रहा है

जस्ट लाइक like अगर मैं आपसे पूछूं मेरे साथ जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं ऑनलाइन भी और ये ऑन कैंपस भी ऑन कैंपस में तो खैर मेरे पुराने स्टूडेंट भी बैठे हैं वो नाम बताएं ऑनलाइन वाले बताएं बच्चा आपका टोटल 196 नाइनटी कंट्री है अप्रोक्सीमेटली जो ग्लोबली हैं आपको एक सवाल आता है जो आता है आपके इससे रिलेटेड के कैपिटल से रिलेटेड कोई आप में से बता सकता है कैपिटल की तरफ से पूछा जाता है कोई कोई जवाब देना चाहे अपने आप को अनम्यूट करके बताएं किसी को आइडिया ऐसे होगा ग्लोबली वन नाइनटी सिक्स कंट्री है वो ये तो नहीं कह सकते एशिया कैपिटल पूछ लेगा किसी कंट्री के बट वो पूछता किन के अगर मैं आपको बताऊं अगर मुझसे आप पूछें कि जी हमसे किसका कैपिटल पूछना जाता है तो ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है ये प्रोजेक्टर स्क्रीन पर बचो आप लोग भी देखें और ये लोग भी देखें अब ये वर्ल्ड मैप को अगर आप देखें तो इससे आप अगर आइडिया लगाएं जरा अब ये मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप पेपर में खुद ऑब्जर्व करना कोई पास पेपर उठा के हमेशा जो कंट्रीज के हमने कैपिटल के सवाल होते हैं 29 हैं हैं कंट्रीज जिनके हम कैपिटल पूछते कंट्रीज ये हैं लास्ट पेपर में बेटा आपके सवाल था कि टोटल सेंट्रल एशिया में कितनी लैंडलॉक कंट्रीज हैं वो ये बारह कंट्रीज हैं इनमें से किसी का किसी का कैपिटल ये तान तान वाले उसके बाद ईस्ट ये जो आपकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है इनका कैपिटल या लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्री इनका कैपिटल तो एक तरफ एन वन नाइनटी सिक्स कंट्री के एक तरफ कंट्रीज के कैपिटल याद करना आसान कौन सा है ऑब्वियसली ट्वेंटी के सो एज योर मेंटोर हमारा काम क्या है वो तो यही कि आपकी एफर्ट को रिड्यूस कर दिया जाए वो या कि हमारे साथ अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं अभी आपके सेमिनार होने शुरू होने से पहले भी ये बच्चा एक रेफरेंस से आया है कि मुझे यही सवाल कर रहा था कि सर हम किस तरह जो सा है ना वो फोर्टी डेज में कवर अप करेंगे तो बेटा सबसे बड़ी बात ये है कि अगर तो हमने आपको डायमेंशन लेस स्टडी करवानी हो हमें एक एक टॉपिक पे आपके दस दस लेक्चर देते हैं जो हमारा क्या जाता है एंड पे आपकी एफर्ट ही बढ़नी और वो फिर भी नहीं आनी पेपर में हमारी जो सक्सेस है वो आप यहाँ से देखें कहीं दूर ना जाए स्टूडेंट एवं नहीं कह रहे ये स्टूडेंट्स के रिव्यूज आपके सामने है ये रिव्यूज क्यों है कि जो उन्हें पढ़ाया जाता है पेपर में आता है तो अल्लाह माफ करें हम पेपर बना के पेपर आउट नहीं कर रहे होते होतेमद हम लोग आप लोगों को बता रहे होते हैं कि पेपर बनाई ऐसे जा रहा होता है और आप लोग जो डायमेंशन स्टडी कर रहे होते हैं, you are at this stage is कि आप स्टडी अपनी ठीक करें ये अब हमारे जो पुराने बैजेज उनके आपके लिए दिखाए हुए ये हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज आपके सामने ये है ये रिव्यूज क्यों है ये कोई ये नहीं हमारा अलमदुल्ला देखें जाके यूट्यूब का पेज देख लें फेसबुक का पेज देख लें या हमारे अलमदुल्ला स्टूडेंट्स के साथ आपकी जो भी इंटरेक्शन होगी अभी ट्रायल क्लास में भी जो आपसे पहले बैच का उनके से इंटरेक्शन त्रे, त्रे, हो जाएगी आपको एक चीज पता चलेगी कि हमारी सक्सेस की रीजन जो सी मेरा बेटा वो कोई उसमें ये नहीं है अलहमद वी ऑल बिलोंग टू वेल सेटल बैकग्राउंड और हम लोग सारे जो हैं हमें सिर्फ ये अगर सिर्फ जो इस तरह जैन आपको कह रहा था कि हम इसको अभी तक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चढ़ा रहे हैं हम वो भी कर सकते हैं जो दूसरी अकेडमी कर रहे हैं कि पंद्रह चार्ज करें और आपको दो दो तीन तीन, तीन महीने जलील करें और आने पे फिर कुछ तैयारी ना हो बट हम लोग खुद के इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं हम उस पेन को फील करते हैं जब हम आपकी जगह थे मेरा एक लेक्चर होता है मैं उसमें एक बात हर बात बताता हूँ कि एक तो मैं दो बातें हर सेमिनार वालों को बताता हूँ बेटा एक ये कि जब यूएन की मेरी पहली असाइनमेंट थी एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर सॉरी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गाना अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट में तो हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो गोरा था और वो कहता होता था हाफ वर्क इज डन वैन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क कि जब अपने काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हो तो आपका आधा काम हो जाता है तो कितनी बड़ी बात है जो शायद आपको अभी ना समझ आए मेरे बच्चों कि जब तक चीजें ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तब तक काम नहीं कर पाओगे ठीक है सेकेंडली जो दूसरी बात मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको इस स्टेज पे आपको लाजमन बताना चाहूंगा कि मेरा बेटा सबसे ज़्यादा जो फेलियर की रीजन है ना जो आपकी स्टेज पे बनती है वो बनती है कि आपके पास राइट मेंटोरशिप नहीं होती जब राइट मेंटोरशिप नहीं होती ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट किया जाता है आपके फ्यूचर से खेला जाता है और अल्टीमेटली जीरो ठीक है तो हमने आपके सिलेबस को जो डिजाइन किया है ये जो सिलेबस का ब्रेकअप है फिर उसके मुताबिक टॉपिक वाइज जो आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है ये आपको कॉन्सेप्चुअली इस काबिल बनाएगी इन अजीज कि आप इस एग्जाम को अच्छी तरह क्रैक कर सकें फिर जो मैं बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन वालों को एज हासिल है ऑनलाइन वालों को यह जासिल है जनाब की जो ऑनलाइन लोग हैं हमने अपना ऑनलाइन सेटअप कोविड के आने के बाद भी एटलीस्ट को तीन चार महीने शुरू नहीं किया रीजन कि हमने इसको फुली जब तक हमने मेक श्योर sure नहीं किया कि हम इसको फुली एज सेम एज ऑन कैंपस ना कर दें तब तक हमने इसको शुरू नहीं करना हमने आपकी तमाम चीजों को ऑटोमेट किया है आपको ऑन स्क्रीन सारे नोट्स भी मिलेंगे फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रहा था वो ये आता था कि अगर कोई टेक्नोलॉजी या कोई क्लास मिस होगी तो क्या करेंगे हमने आपकी फोर्टी परसेंट फी ऑफ रखी है ऑनलाइन उन, पे जस्ट बिकॉज जो फार ईस्ट या किसी भी जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं डिफरेंट प्रोविसेज से बिलोंग करते हैं उनकी बचत भी हो कि अकेडमीज में आए वो ट्यूशन फीस दें वो ट्रांसपोर्टेशन फीस दें ऑब्वियसली हमारे भी फिर एक्सपेंडिचर बढ़ रहे होते हैं जिस जिस तरह अकेडमी में को आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने हमारी चार ब्रांचेज हैं लाहौर में ठीक है चारों में हम हर ब्रांचेज में हमारे डिफरेंट काम चल रहे हैं ठीक है तो हमारे ऑब्वियसली जिस तरह स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो हमारे उसके मुताबिक हमारे भी एक्सपेंसिज हैं तो हमने जो अपने एक्सपेंसेस उनको कट किया और वो आपको हमने ट्रांसफर कर दिया कि आपको हम जो है वो विद स्पेशल फी जो एक ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं फिर साथ उसमें जो फीचर आपको रिकॉर्डिंग्स का मिल रहा है इसके साथ ये होगा कि आप ऑन कैंपस वालों से भी ज्यादा मुस्तफीज हो सकेंगे और ज्यादा बेहतर प्रिपरेशन कर सकेंगे आपकी जहाँ तक कोर्स की आउटलाइन का सवाल है ये सारी आउटलाइन आपके सामने इस टाइम इनको नजर मारते जाए ये करंट अफेयर की आउटलाइन थी जिसके बारे में बात हुई ये जैन साहब की आउटलाइन है जिससे आपकी अभी इंटरेक्शन हो चुकी है और जैन जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफ आई ए लेकिन साथ साथ को मेरे ख्याल से पंद्रह को, को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर चुके हैं क्वालिफाइड है तो माशाला वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल और बहुत अच्छी तरह पाक अफेयर जो कि एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम सात सौ बारह से शुरू करके दो हजार बाईस तक आना होता है वो तीन चार लेक्चर में भी इस तरह करवा देते हैं कि क्वेश्चन ही वो बताते हैं जो पेपर में आने हैं सो इनशालाजीज डोंट वरी इन दिस फोर्टी डेज जर्नी जो आज की आपकी हमारे साथ शुरू हो रही है इन आपको आपकी एफर्ट को रिड्यूस right you हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी बट अगर आपकी तरफ से कमी रहेगी तो मेरा बेटा तब भी काम नहीं चलते ताली दो हाथों से बुझती है हमने आपको रास्ता दिखाना है हमने आपको तरीका बताना है हमने आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है सारा इन तमाम सब्जेक्ट के नोट्स जो अनसे हैं वो आपको हम खुद ही प्रोवाइड करेंगे इन नोट्स में कंप्लीट डाटा जो रिक्वायर्ड है वो होगा अभी मैं आपको नोट्स दिखा भी देता हूँ ये सारी आउटलाइन आपके सामने ये भी अभी आपको जो है इसकी वीडियो जो मिल जाएगी जो भी ये सेमिनार का है और फिर आपकी ट्रायल क्लास होगी उसके बाद अपने आप एडमिशन कन्फर्म करेंगे और मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है ये सारी आउटलाइंस हैं जो जनरल आपको दिखाई गई यहाँ पे और वही बात जो हमारे कई साइलेंट फीचर्स हैं अबंडेंट मटेरियल कंप्लीट सारा मटेरियल हम आपको खुद देंगे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको दिए जाएंगे ठीक है क्लास लेक्चर की स्लाइड में मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर ये कि आपके जो क्लास लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो रहा होगा कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों का कोई लेक्चर में कोई चीज मिस हो गई है या लेक्चर ही मिस हो गया तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंशन कर दूं जो बच्चे मेरे पास यहाँ बैठे हैं जिस तरह ये लोग जब चाहे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपने आप को उसी तरह आप भी अपना माइक को अनम्यूट करके जब चाहे सवाल पूछ सकते हैं सो इट विल बी एज एज सेम इन कैंपस स्टडी ठीक है और व्हाट्सएप ग्रुप आपके बनेंगे आपका कोऑर्डिनेटर शान अभी यहाँ मौजूद है आपके साथ शान जॉन्स है वो सारा आपको मटीरियल सेंड करेंगे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर सारे एडमिशन प्रोसेस फी प्रोसेस ये सारों को शान आपके साथ देखेंगे कोई किसी टाइम प्रॉब्लम होती है शान विल ऑलवेज भी अवेलेबल विद यू टू ओवरकम योर एनी गेवियंसेस जो भी आपकी प्रॉब्लम हुई वो ये नोट्स हैं आपको सॉफ्ट कॉपी में सारे प्रोवाइड किए जाएंगे जो हार्ड कॉपी अगर कोई परचेज करना चाहे तो विद फ्री डिलीवरी वो अवेलेबल होगी वो तो जो लोग भी परचेज करना चाहें उसे परचेज कर सकते होगा तो इस तरह आपका बेटा वीकली टाइम टेबल बनेगा ये आपके सामने एक फिकटिशियस टाइम टेबल दिखाया हुआ है आपसे पहले बैठ गया लेकिन सिर्फ आपको दिखाया हुआ है कि हाउ वी आर वर्किंग ठीक है और हर वीक आपका प्लान है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर वेटेज हमने आपके हर सिलेबस को ब्रेकअप किया है इन पार्ट्स और उन पार्ट्स के मुताबिक ही आपकी क्लासें चलेंगी सो नाउ दीज आर योर फाइनल टॉक्स एंड अब आपके सवालों की बारी है आपने जो कॉन्टेक्ट करना है आप शान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं शान अभी आप जरा फी डिटेल वगैरह बेटा यहाँ पे एक दफा मैंशन कर दें ताकि स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि जो अब उनका आगे प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस फी डिटेल शान मौजूद है जी वालेकुम सर जी बताएं जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी पे स्टूडेंट्स हैं मैं इनको इन्फॉर्म करता चलो कि सेमिनार के बाद उनकी आई नाइन फिफ्टीन पर ट्रायल क्लास भी होगी जो उन्हें फ्री दी जाएगी ठीक है और उससे पहले इन्हें अपना एडमिशन फॉर्म लिंक पर इनके ग्रुप में शेयर करूँगी अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे इनकी जो फ़ी होगी वन पेपर के लिए फोर्टी डेज़ का जो सेशन है वो कम्प्लीट इनरोमेंट फी इंक्लूड करके सिक्स थाउजेंड होगी रेगुलर वन पेपर की और जो एफ आई ए की फी होगी वो हमारी होगी सेवन थाउजेंड रुपीज़ और अगर कोई स्टूडेंट इन केस आउटसाइड ऑफ पंजाब है जिस तरह हमारे पास ग्वादर से भी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास बलूचिस्तान से भी स्टूडेंट्स आते हैं के केपीके के आ जाते हैं तो उनको हम लोग 1000 रुपीस कंसेशन भी देंगे तो किसी को अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है कोई इशू है तो मुझे सेमिनार के बाद कांटेक्ट कर सकता है मैं ऑनलाइन जी बेटा, बेटा थैंक यू थैंक यू शॉन बेटा जी बेटा अब आपके सवाल आप लोग जो इधर मेरे साथ सेमिनार में मौजूद हो यहाँ पे अनम्यूट करके पूछ सकते हो जो जो डिफरेंट ग्रुप्स में देख रहे हैं वो वहाँ पे क्वेश्चन कोऑर्डिनेटर्स को पहुँचा सकते हैं फी डिटेल आपको शान ने बता दी एडमिशन फॉर्म का लिंक अभी आपको मिल जाता है ट्रायल क्लास आपकी नाइन फिफ्टीन पे है और उसके अलावा और क्या चीज़ रह गई है जी बिल्कुल बेटा गिलगित वालों को भी वो सारे जितने जो आउटसाइड जो हैं प्रोविंस वाले सबके लिए डिस्काउंट होती है गिलगित का तो फिर खास खास एक करेक्शन है ना उनसे क्योंकि हर बैच में कोई एक दो गिलगित के स्टूडेंट जरूर आ रहे हैं ठीक है और हमारे पास गिलगित पीएमएस का भी सेशन चल रहा है बड़ा अच्छा सेशन है इनशाला ख्याल रखे जो आपका पी एम सब होने जा रहा है उसमें भी आपको कोई दो चार ऑफिसर जो है ना वो हम देंगे गिलगित के लिए भी वही जो हमारे आउटसाइड पंजाब जितने भी प्रोविंस के हैं उनको थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट है और कोई सवाल जी ऑल क्लियर जी जी पी आपका लेट हुआ था पहले नवंबर में होना था फिर मार्च में वो शिफ्ट हुआ था और हमारे पास इन्होंने तैयारी की हुई है पिछले साल की तो वेरी गुड अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे तो इन शजीज़ वो भी क्लियर करेंगे और आगे आप लोग जो वन पेपर के लिए आ रहे हैं आपका यार एक वो भी आया हुआ था ये जो इसकी जो आपके होता नहीं है तहसील डिपार्टमेंट इसकी सीट्स आई हुई थी उनके एग्ज़ाम का क्या बना सप्लाई चेन के स्टूडेंट रहे हमारे उसके लिए उसमें ये आपके तीन चार ये भी सब्जेक्ट थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपका होम डिपार्टमेंट है उसकी वो जॉब्स थी दो महीने पहले की उसका पता एग्जाम हुए या नहीं हुए उसके आप लोग अनम्यूट भी करके बोल सकते हैं यहां पे यू ऑल आर अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनी क्वेश्चन अच्छा जी नोट्स लिखवा दूं वो भी दिखा देता हूं बेटा ये भी हम नोट से लेते हैं जी बेटा बी एस सिक्सटीन के ही थे वो नहीं पीएमएस की अगर तैयारी ना हो तो मेरा बेटा अटैम्प्ट नहीं देनी चाहिए पीएमएस के सेशन अभी हमारे पंजाब के भी शुरू हो रहे हैं तैयारी करके अटैम्प्ट पीएमएस की बिला वजह आपने अटैम्प्ट क्यों जाया करना इसमें तुक्का तो लगना नहीं होता ये कौन से कहने के एम सी क्यू बेचते तुक्का लग जाएगा ये देखें जी ये आपके नोट्स है सारे वन पेपर के

जोग्राफी वगैरह और ये सारा कुछ जौन सा है आपको फिर इसमें भी आपको ये नहीं कि हमने कोई यहाँ से नोट से खोल लेने और लफज लफज पढ़ा रहे होना है आपको बताएंगे इस सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कहाँ से उनको आपको नोट डाउन करवाएंगे लेकिन सारा डाटा भी साथ आपको दे रहे होंगे जो लिखा लिखा है जो आपने पढ़ना है और कवरअप करना है इसी तरह एक आपको फाइल वो जो हमारी एक टीम कंटिन्यूसली जो ये करंट अफेयर चल रहे होते हैं उनको साथ आपके लिए ट्रैक कर रही होगी ये देखें आप जब भी पेपर दे रहे हैं एटलीस्ट पिछले छः महीने करंट अफेयर आपके लिए ज़रूरी है तो हर महीने के डिफरेंट सोर्सेज से तो फॉरेन अफेयर मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट है डॉन है और ये वर्ल्ड ये जो पाक MCQs है इन सारी साइड से एमसी क्यूज निकाल के आपके लिए कंपाइल किए जाते हैं जो आपको मंथली अपडेटेड एमसी क्यूज दिए जाते हैं करंट अफेयर के तो ये है हमारी है जिसके मुताबिक आपको सारा डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा और जो आपका पी एम एस है उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी भी इसी बैच में है उसके बाद पी एम एस का जो जीके है वो भी इसमें सारा आपका कवरअप होगा ठीक है तो दैट्स ऑल फ्राम टूडे सेशन बाकी आप आगे शान से कोऑर्डिनेट करें शान अभी आपको सारे भेज भी देंगे जो लोग अभी तक भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी लेट हैं मजीदों को रिकॉर्डिंग सुने सेमिनार की बाकी लोग सवान और ट्रायल क्लास में आए और फिर अपना एडमिशन कन्फर्म करें मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं सो एनी अदर क्वेश्चन लाव चलें बेस्ट ऑफ लक इनशालाइन फिफ्टीन स्टेसर लावर